Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. Let's go on with the show because, So there's a question. I'm a regular listener of Dr. Moiz Hussain, Thursday lecture and very inspired with his views. I have three questions, but hum ek hi le rahe hain abhi, kyunki lamba ho jayega. Abusive drugs are prohibited in Islam. Some use it for fun purposes, friends and gathering, as a sign of maturity. Some use it to get focused in professionalism, as it helps to focus on thoughts you want this or can be beneficial. And some use it to get rid of loneliness. I smoke charas weed regularly, but in a very limited quantity, that even alone without any accompanying me. The reason to smoke drug is, kya reason inka smoke drugs karne ka? Because he's having charas, so he doesn't know what is the reason, and he's having it alone. See, first of all, wo dawai ya wo drug jo medically prescribed kiya gaya ho aapko, jiski aapke system ko zarurat ho, wo to allowed hai. Magar shauk ki khatir lena ka matlab ye ki ye nasha hai. Nasha har halat mein nasha jo hai wo haram hai, allowed nahi hai. Kyunki nasha insaan ko mohtaj kar deta hai. Aur agar insaan mohtaj ho gaya to phir parwardigar ne insaan ko jo amal aur irade ka ikhtiyar gaya wo ikhtiyar khatam ho gaya, wo to nashe ka mohtaj ho gaya. तो नशा किसी किस्म का भी हो, चाहे वो दौलत का हो, इश्क मोहब्बत का हो, इक्तदार का हो, हुस्न का हो, ताकत का हो, या किसी नशावर चीज का हो, वो नशा हराम इसलिए कि इंसान का इख्तियार चला जाता है, वो गुलाम बन जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का. जबकि इंसान को अल्लाह ने ये कुदरत दी है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, जिस रास्ते पे चलना चाहे वो रास्ते पे चले, अपने फैसले अकल और दानिश के मुताबिक करे. अच्छा, इनका जो सवाल है बिल्कुल सही आपने कहा कि ये मैं क्यों करता हूँ, मैं अकेले में भी क्यों पीता हूँ, क्या रीजन है इसका? कई दफा तन्हाई की वजह से पीते हैं, कई दफा लोग जो है वो डिप्रेशन में पीते हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती है. सवाल ये नहीं कि क्यों पीता हूँ, सवाल ये कि क्या छोड़ना चाहते हो, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं अगर छोड़ना चाहते हो. ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी चीज के मोहताज हो तो आप बेबस हो. हाँ, ये तो आप हमेशा कहते हो, रूज अगर तू किसी अगर किसी गाने की भी मोहताज है, किसी एंटरटेनमेंट की मोहताज है, तो दैट मींस यू आर लाइक यू आर गॉन, यू शुड बी इंडिपेंडेंट. दैट्स व्हाट यू कीप टेलिंग मी. अगर मैं कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती, तो यू टॉट मी टू बी इंडिपेंडेंट लाइक थ्रू आउट माई लाइफ. अच्छा, एक बड़ा अजीब क्वेश्चन आ रहा है और मैं बड़ी परेशान तो नहीं कहूंगी, बट मैं बड़ी शॉक्ड हूँ इस बात से कि आप रेकी को कितने साल पहले पाकिस्तान में लाए हो सर? क्या चीज, कितने सालों का आपको रेकी सिखाते हुए? रेकी से मेरे ख्याल में 94 से सिखा रहा हूं मैं. 94 हो गए, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, 94 से कितने साल हो गए? इट्स बीन सो मेनी इयर्स, अबव 25 इयर्स, राइट? स्टिल पीपल आर क्वेश्चनिंग एंड आस्किंग एंड स्टिल पीपल आर सेइंग के रेकी हराम है, रेकी इस्लाम के खिलाफ है. और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, एक्चुअल जेन्युइन क्वेश्चंस है. और ये मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि हमारी वर्कशॉप है इस वीकेंड पे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि लोग जेन्युइनली चाहते थे रेकी से उनकी हेल्प हो, बट दे हैव बीन टोल्ड के हराम में मत करो, शिर्क कर रहे हो, गलत है, एक प्रोपोगेंडा टाइप चली हुई चीज. सो कैन यू एक्सप्लेन रेकी अ लिटिल, बिकॉज इट्स अ वे दैट पीपल गेट हील्ड. आई सॉ माई मदर, माई सेल्फ, आई सॉ विद माई आईज दैट शी गॉट रिलीफ फ्रॉम पेन. So is there anything you can just add and explain these people, because a lot of people have this misconceptions. मैं आज बड़ी जबरदस्त तरीके से, मेरे पास ये सवाल आ गया था इंटरनेट के ऊपर दोपहर को, तो मैं लाइब्रेरी से, हमारे इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी से एक थीसिस लेके आया हूँ, बल्कि तीन थीसिस लेके आया हूँ, आज एक दिखाऊंगा मैं. पहली बात समझा दूं कि अक्सर जो है लोग वो इस वजह से मुखालिफत करते हैं कि उनको मुखालिफत करना ही आता है. जब इंसान जाहिल होता है तो उसके पास इल्म तो होता नहीं, तो वो क्या करता है, मुखालिफत करता है. आज भी इस दौर में कई लोग इस बात पे अभी भी यकीन करते हैं कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है. अब मुझे बताओ आप इनको कैसे समझाओगे. दूसरी चीज, उलमाए कराम के पास अगर मुझ जैसा आदमी उनकी खिदमत में हाजिर हो और मैं उनको बताऊं रेकी क्या है, तो वो कहेंगे यकीनन रेकी इस्लामिक. अगर आप रेकी यूट्यूब पे तलाश करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलत चीजें शामिल हो गई है, और जो लोगों ने रेकी सीखी ना हो, प्रैक्टिस ना किए, उनको पता ना हो, तो वो कैसे रेकी के बारे में किसी के बारे में राय कायम कर सकते हैं. मैं आज एक थीसिस लाया हूँ,
और मैं समझाना चाहता हूँ, इसके बाद मुझे ख्याल में कभी जिंदगी में किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी। और मैं तमाम दोस्तों से जो आज का ये शो देख रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करके इसको डाउनलोड कीजिएगा, जब कोई रिकी के बारे में सवाल करे प्लीज ये वीडियो उनको भेज दीजिएगा। ये थीसिस है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, नजर आ रही सबको? ठीक है। अच्छा, जिस साहब ने इस पे पीएचडी की है, कंपैरेटिव स्टडी थीसिस फॉर पीएचडी सुई रेकी एंड द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है जी, जिन साहब ने किए, इनका नाम था, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गनी, पिंडी में रहने वाले लोग इनको पहचानते होंगे, ये बड़े जिद्दत जहियत किस्म के सूफी थे, हजारों लोग उनके हाथ से बैत थे, और इन्होंने इस पूरी थीसिस के अंदर प्रूफ किया है कि रेकी पूरी की पूरी इस्लामिक है। सिर्फ मैं इसमें से चंद चीजें आपको दिखा दूं, ये शख्स कौन है, इसकी जरा इंट्रोडक्शन पढ़े, और ये जाहिल लोग जो रेकी को कह रहे हैं कि ये एंटी इस्लामिक है, ये जो साहब है राइटर, ये इनकी, ये साहब एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर, एम ए इन इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन सब्जेक्ट, एम ए इन पर्शियन, एम ए इन हिस्ट्री, एम ए इन उर्दू, एम फिल इन इकबाल स्टडीज एंड पीएचडी इन इकबाल स्टडीज, ये साहब है जिनकी थीसिस श्रीलंका में इनको डॉक्टरेट मिली है, रेकी प्रूफ किया कि ये रेकी जो है वो इस्लामिक है। इसकी बहुत सारी चीजें जो मैं बता नहीं सकता, सिर्फ एक और चीज बता दूं, इन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरी रेकी से एसोसिएशन 1996 में शुरू हुई, ठीक है, इसको मेरे ख्याल में उर्दू में दिवा चवाचा कहते हैं, और आई हैव द ऑनर, इन्होंने कहा है कि मैंने सीखा है, 4 सूफी ऑर्डर्स के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई है, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी एंड स्वारवर्दी, एंड हैव बीन स्टडिंग सूफीज्म सिंस माय चाइल्डहुड। आखिरी पेज पे लिखते हैं, इन माय फ्रीक्वेंट सिटिंग्स विद माय रेकी गाइड डॉक्टर मोइज हुसैन, आई डिस्कस दिस स्टेयरिंग फैक्ट विद हिम, ही वेरी काइंडली एडवाइज मी टू प्रेफर माय फाइंडिंग टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ अ थीसिस फॉर पीएचडी, आई एम therefore doing so in the honor of his sincere advice, professor dr abdul ghani। pindi wale jante hain inko, aur nahi jante to please bata de, pindi wale kitne bade sufi the aur kitne kamal ke sufi the। ab iske liye kya rahe, I totally know about problem him। ye hai ki main personally I know bahut martaba define kar chuka hu, inhone do cheez ka hawala diya hai, jab inhone is thesis likhi hai, inhone nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ki do hadithon ka hawala diya hai, number 1 इल्म मोमिन की खोई हुई मिरास है, बहुत ही मुस्तनद हदीस है। दूसरी हदीस इन्होंने जो कोट की है वो कही कि इंसानियत की खिदमत के ऊपर एक हदीस इन्होंने कोट की है। दो चीजें बड़ी लाजिम है मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए बिल्कुल, एक इल्म के लिए कहीं भी जाना पड़े वो जाए, और इल्म हासिल करने के लिए हर कदम जो उसका उठता है उस सिमत जिस तरफ जिस सिमत वो इल्म है, तो फरिश्ते जो है उसकी निगहवानी करते हैं उस शख्स की, इतना बड़ा दर्जा है इल्म का। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि लोग जानते नहीं है, और चूंकि जानते नहीं है तो फिर इस किस्म की बात करते हैं रेकी के हवाले से। कुछ तो ऐसे हैं जो आपको पता ना किस लिए करते हैं, ये भी तुम जानती हो। जी जी, तो मेरा आपसे सवाल है कि ठीक है, आपने रेफरेंस तो सारे दिए, रेफरेंस आर देयर, पीपल आर डूइंग रेकी थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग हील्ड बाय इट। और अगेन बार बार ये कहती हूँ कि मैं खुद रेकी पहले नहीं दिया करती थी, बट जब मैंने अपनी वालदा का जो इंसिडेंट देखा कि शी वाज ऑन मॉर्फिन और वो मॉर्फिन के बगैर वो 8 घंटे सोई, और डॉक्टर्स वर थिंकिंग, मेडिकल डॉक्टर्स वर थिंकिंग इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट। और जिन खातून ने रेकी दी, तो मुझे याद है उन्होंने बिस्मिल्लाह करके शुरू की थी और उन्होंने कुछ आयतें पढ़ी थी, उन्होंने रेकी करके शुरू की थी। तो फॉर मी आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्वेश्चंस कि ये जो रेकी के अंदर सिंबल्स होते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं समझा दूं। देखिये, अगर अलिफ लाम मीम लिखा हुआ हो, है ना, अलिफ लाम मीम, आप एक कागज पे लिखे किसी चीनी को या किसी जैपनीज को बताएं कि क्या है, तो वो क्या कहेगा, सिंबल है, ज़ाहिर वर्ब भी नहीं जानता। तो उन्होंने जो चीजें अपनी जबान में लिखी है वो हमारे लिए सिंबल है। हमने ये किया है कि हमने उन सिंबल्स को स्टडी किया, उसकी ट्रांसलेशन ली और देखा कि कुरान के अंदर इसका जिक्र कहाँ पर है। देखिये, कुरान तो मतलब उस वक्त से आया जब इंसान भी नहीं था, अर रहमान अल्लामुल कुरान खलकुल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने कुरान दे दिया। तो ये कुरान जो है इसके अंदर इसकी चीज मौजूद थी, पता नहीं कब से थी। तो अब रेकी जब दुनिया में आया, तो जिस आदमी ने रेकी रीडिस्कवर किया उसने कहा कि मैंने डिस्कवर नहीं किया, ये पहले से मौजूद था, इस खित्ते में खो गया था, मैंने फिर से उसको ढूंढा
یعنی وہ خزانہ تھا جو چھپا ہوا تھا پہلے سے موجود تھا اس نے ڈھونڈا تو اس نے ظاہر ہے جیپنیز تھا تو جیپنیز بندہ جو ہے وہ اپنی زبان میں ہی لکھے گا نا تو ہم نے اس کی جو دیکھی ریلیونس قرآن میں تو جب ہم ریکی سکھاتے ہیں تو قرآنی آیت دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے اس کو ریکی سٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھنا ہے ہاتھ سے ریکی دینی ہے تو یہ چیز بولنی ہے اگر دور سے ریکی کسی کو ڈسٹینس بولنی ہے تو یہ سورہ پڑھنی ہے پھر یہ چیز بولنی ہے پھر یہ سورہ پڑھنی ہے مگر پھر بھی مسئلہ یہ کہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا اچھا ایک چیز اور سمجھا دوں ریکی ایک جیپنیز ورڈ ہے جس کا مطلب ہے قدرتی حیاتی توانائی یونیورسل لائف فورس کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کا نور موجود ہے اللہ کی قدرت موجود ہے اللہ کی انرجی موجود ہے تو مسئلہ یہ کہ جس کو نہیں سمجھتا وہ نہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے صادق اور امین ہے یعنی وہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ساری زندگی ان کے درمیان پھر بھی لوگوں نے انکار کیا جنہوں نے انکار کرنا تھا ان کے دلوں پہ کفر کے تالے لگے ہوں گے نا وہ ایسا کریں گے پھر دکھا دوں میں اچھا عبد المتین منان صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر موئس پلیز انسر مائی کوسچن وی ہیو سو ہول ٹائم ہیئر ان آسٹریلیا آئی ہیو شارٹ ٹائم تھینکس عبد المنان صاحب آئی ڈونٹ نو آپ کا کوسچن کون سا تھا اگر آپ نے ادھر لائیو لکھا ہے ابھی تو آئی کانٹ آنسر اگر آپ نے واٹس ایپ کیا تو وہ جس ٹائم پہ آپ کا کوسچن آئے گا مطلب میرے پاس بہت سارے کوسچن اس حساب سے آئے گا اچھا میرے پاس سر جو لوگ اچھا ایک اور سوال ہے میرے پاس کہ یہ جو لوگ اگین کل والا سوال بھی میرا یہی تھا کہ آپ کے خلاف لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں آپ جو کام کرتے ہیں آپ یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اتنے سالوں سے سنس آئی نو یو آئی واز اے کڈ آئی نو یو ہیو بین فائٹنگ دس لائک پیپل اباؤٹ یو جو آپ کام کر رہے ہو لوگوں کو سکھا رہے ہو اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف کام بیکاز وہ مجھے آ کے بات کر رہے ہیں سو آئی وڈ لوز مائی کول 45 سال ہو گئے بیٹا زندگی کے گزر گئے اور بہت کچھ قربان کر دیا اپنا فیملی کا اتنا بڑا بزنس وہ چھوڑ دیا میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں مجھے بتانا نہیں چاہیے مگر چونکہ یہ بات چل رہی ہے نا تو میں بتاتا چلوں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ کام دے کر بھیجتا ہے دنیا میں اچھا اکثر لوگ وہ تلاش نہیں کرتے کہ میری مقصد حیات کیا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے شاید میں نے ڈسکور کر لیا تھا اس شخص کی مہربانی جو میرے سب سے پہلے گرو تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں پھر آگے ایک واقعہ بتاؤں گا اگر وقت ملا تو وہ چیز مجھے ڈسکور ہوگی کہ میرا کوئی پرپز ہے میں امریکہ میں رہتا تھا امریکہ چھوڑ کے واپس آ گیا ینگ ایج میں کون امریکہ چھوڑ کے آتا ہے لوگ تو جانا چاہتے ہیں امریکہ سب کچھ اپنا کریڈٹ کارڈ اپنے سوشل سیکیورٹی کارڈ اپنا ڈرائیونگ لائسنس سب چھوڑ کے آ گیا یہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کالنگ تھی مجھے بلایا گیا تھا مجھے آنا تھا مجھے کوئی کام کرنا تھا اس وقت اتنی شعور نہیں تھا کہ کیا کام ہوگا آج جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور آ گیا کہ ہمیں خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا اور جب آپ کبھی بھی حق کے راستے پہ چلو گے اور دوسری چیز جب آپ جاگے ہوئے لوگوں کو بیدار کرو گے تو ان میں سے اکثر مخالفت کریں گے جاگے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا سوئے ہوئے کو جگانا بہت آسان ہے مگر جو جاگے ہوئے ان کو آپ کہیں بھائی آپ تو غفلت میں کون غفلت میں تو غفلت میں میں تو بالکل ٹھیک ہوں تمہارا دماغ خراب ہے تو یہ پھر ریئیکشن آتا ہے جو بھی میرے ساتھ تم ہو سنو تم ہو اور تمہارے ساتھ جو بھی لوگ آگے منسلک ہوں گے ہمارے ساتھ بہت سارے ہم اب ٹیمیں بنا رہے وہ سب منسلک ہوں گے ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا جی بالکل ٹھیک اور میں وہی والا میں بات کر دی شرمیلی گئی ہے کہ لوگ اکثر یا تو جب اچھا ہمارے یہاں پہ بڑا پرابلم ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوسچن ایک تو ہمارے ذہن میں اگر کوئی کوسچن ہے کوئی کانفلکٹ ہے تو ہم پوچھنے کی جگہ سیدھا بول دیتے غلط ہے انسٹیڈ آسک دی کوسچن گیٹ دی آنسر فرام سم ون انسٹیڈ آف سیئنگ یہ چیز غلط ہے سو تھینک یو ان حضرات کا خواتین کا جنہوں نے ہمیں کوشچن بھیجا اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت یہ بھیجا کیونکہ ہماری ریکی اناؤنس ہوئی اینڈ سم پیپل ہیو بین ٹیلنگ کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے نہیں بٹ تھینک یو سو مچ سر آپ نے اس کو ایکسپلین کیا بیکاز جس خاتون نے میں وہی والی بات کروں گی مینلی سب سے بڑا ہوتا ہے نا ایک چیز پہلو جو سوری کہیں گے ایک ترازو دیکھنے کا اور جب بھی میں نے اس خاتون کو ریکی کرتے ہوئے جس نے میری بات بسم اللہ آپ کی طرح کوئی ایکسپلین کر نہیں سکتا ہے نا مسئلہ یہ
आप बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हो. एनीवे, अब मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा क्वेश्चन लूं, बट एक खवान एक ने क्वेश्चन किया है, सर या सर इज देयर एनी यूनिवर्सल लॉ व्हिच सेज इफ वी कॉल स्पिरिट्स दे हैव टू कम. अच्छा, स्पिरिट से आपकी मुराद ये है कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, रूह तो चली जाती है, रूह अल्लाह का अमर है, और रूह को कुरान ने भी बहुत डिफाइन नहीं किया, समझे अमर है अल्लाह का, अल्लाह की हुक्म है तो वो चली जाती है. एक चीज सूफिया कराम भी इस पे कहते हैं, जिसपे मिसाली कहते हैं एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसको हम आमतौर पर स्पिरिट समझते हैं. हाँ, अगर आप चाहें और उनको याद करें तो वो स्पिरिट आपके पास मौजूद होती है. कई दफा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई अजीज रिश्तेदार, माँ या बाप में से कोई, जिनसे बहुत गहरा ताल्लुक होता है, इमोशनल बहुत कनेक्टेड होता है, वो दुनिया से चले जाए और कोई बच्चा उनको याद कर रहा हो, तो उनकी प्रेजेंस कमरे में या उस जगह पे मौजूद होती है, फील होती है बाकायदा. तो यस, दिस इज ट्रू. ओके, अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है उरूज, माय क्वेश्चन इज, अगर दुआ में रेकी फीलिंग हाथों में फील हो, प्लीज से समथिंग अबाउट दिस इन लाइफ आई एम वॉचिंग. अच्छा, कि अगर वो दुआ कर रही हो उनके हाथों में रेकी की फीलिंग हो. जो लोग रेकी कर चुके हैं ना, वो अक्सर ही एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो दुआ करते हैं तो उनके हाथ के अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेकी में अट्यून्ड होते हैं. रेकी सीखी नहीं जाती, रेकी का पावर ट्रांसफर होता है, याद रखें. बाकी चीजें सीखी जाती, इसमें सीखने का कुछ नहीं है. सबसे किसी ने लिखा है, मुफ्ती अकमल ने भी 8 साल पहले रेकी अलाउ किया था. अच्छा, मेरे पास फतवा भी है, इंशाल्लाह कल हो सका तो मैं फतवा भी दिखा दूंगा, जो बाकायदा हमें किसी ने भेजा है कि रेकी एन इस्लामिक है, कोई बुराई नहीं. एनीवे, तो जो लोग रेकी कर चुके हैं वो कई दफा इबादत जब करते हैं तो उनको बाकायदा अपने हाथों में, अपने जिस्म में एनर्जी महसूस होती है. वजह यह कि वो जो चैनल होते हैं, जिसको हम चक्रा कहते हैं, चक्कर कहते हैं, और सूफिया कराम उसको लतीफ और लताइफ कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं. तो इस हवाले से इबादत के अंदर एक खास सुरूर मिलता है, खास एक फीलिंग आती है जो आमतौर पर नहीं आती अगर अट्यूनमेंट ना हो. Another question, there's definitely you need to be attuned with that. Another question is very important. Ask sir, I have heard your lecture about khula ya divorce. My case is different. My husband has a polycystic kidney, and it was from before marriage. He didn't inform us about it. It's like complete dhoka. But still, I continued it. I wanted to ask you one thing, that kisi ko dhoka dena aisa aur phir apne promise todne ka kya sila deta hai Allah Taala. And I know I'm wrong from the beginning till now. My mom wants me to take khula and move on. Even I want to do so, but every time all the promises comes in front of me and I get very upset. What should I do now? And I have so many dreams, but I'm failed in life. Please give me your valuable suggestion. Waiting for your reply. अच्छा, उन्होंने ये कहा है, उर्दू में बता दूं कि मेरे हस्बैंड, जिस शख्स से मेरी शादी हुई, उसको किडनी में प्रॉब्लम था, उसने शादी से पहले बताया नहीं, बाद में पता चला. तो क्या उसने मुझे धोखा दिया? और मेरी माँ चाहती है कि तुम उससे खुला ले लो, अलग हो जाओ और अपनी जिंदगी गुजारो. मैं इस खातून से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अगर शादी के बाद खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती तो क्या आपका हस्बैंड आपको छोड़ देता? है ना, तो ये सोचे, मतलब फैसला करने से पहले सोचे, हस्बैंड है, फैमिली है, बच्चे हैं, क्या करेंगे छोड़? किसी को पता है कि किसकी मौत कब आएगी? हट्टा कट्टा सेहतमंद आदमी मर जाता है, पता भी नहीं चलता, और बाज दफा बीमार बरसों जिंदगी गुजार लेता है. तो इस चीज को बीच में ना डालें कि उनकी किडनी का प्रॉब्लम है और इन्होंने नहीं बताया. चले, गलती की, उनको माफ कर दें, कोई बात नहीं, शायद नीयत बुरी ना हो. मगर अगर वो एक अच्छा शौहर है, कमाता है, ला के देता है, ख्याल रखता है, प्यार करता है, इज्जत करता है, तो फिर इस बात पे जरा गौर करना कि अगर आप बीमार हो जाती तो क्या वो आपको छोड़ देगा, तलाक दे के कहीं और चला जाता? ये सोचिएगा बस. बट ये कह रही उनको शादी से पहले झूठ बोला था. माना झूठ बोला हो, कई दफा शादियों से पहले झूठ बोले जाता, उनकी गलती है, उनकी फैमिली की गलती है, उस आदमी की गलती है, मगर अब क्या हो सकता है? ठीक, शादी हो चुकी है, औलाद हो चुकी है ना, रिश्ता तोड़ते नहीं है. अच्छा, दूसरा ये कौसर रहमान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. हमारी डेंटिस्ट साहिबा हैं ये, इन्होंने सारे कोर्सेज किए माशाल्लाह, हमारी सिल्वर ट्रेनर भी बन रही हैं. शी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड ग्रेसफुल वुमेन आई हैव एवर मेट, वेरी डाउन टू अर्थ. अच्छा, उबैदा साहब साके पूछ रही है, कैन एनीबॉडी बी रेकी मास्टर? एनीवन, आई मीन एनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, इवन फॉर 4D?
पहली चीज याद रखिए, सादिक का क्वेश्चन, कोई शख्स भी रेकी मास्टर बन सकता है, उसकी शर्त यह है कि वो अपने आप को कमिट करें इंसानियत की खिदमत के लिए, दैट्स इट। कोई और कुछ नहीं चाहिए, कोई तालीम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। और अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आप बन सकते। अच्छा याया साहब का क्वेश्चन मैं मिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हर टीवी शो में हर जगह मेरे प्यारे भाई हमेशा हम सबको मैसेज करते हैं। तो याया साहब पूछ रहे हैं, सर माय क्वेश्चन इज कैन वी डू रेकी फॉर किड्स हु आर गेटिंग रिबेलियस एंड नॉट फॉलोइंग पेरेंट्स। अच्छा ये मैं बताते चलूं, आज हम रेकी की जरा बात कम ही करें और सवाल भी बहुत है, मगर आखिरी सवाल का जवाब दे दूं। वो बच्चे जो डिसलेक्सियस हो, ऑटिस्टिक हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो, हाइपर एक्टिव हो, उसके लिए रेकी फायदा करती है। मैं खुद गवाह हूँ, अल्लाह जानता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने एक बहुत ही गरीब खातून को जिसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड था हमारे पास आई थी, गरीब थी, हमने उसको ऐसी चैरिटी में रेकी सिखा दी, कहा बच्चे को रेकी देना। 6 से 8 महीने के बाद वो खातून आई, मैंने उस बच्चे में इतना बड़ा फर्क देखा कि मैं आपको बता नहीं सकता, अल्लाह गवाह इस बात का। बट मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह चलनी चाहिए। और क्वेश्चंस पर वो तो हम हमेशा कहते हैं ना कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, आप मेडिकल बंद ना करें, साथ साथ चलाए भाई, दुआ करते हैं ना दवा के साथ, ये दुआ की तरह है। ठीक है। अच्छा मेरे पास क्वेश्चन है, बचपन से आज तक एक बात मेरे माइंड में रहती है, कोई इंसान आएगा और मेरी लाइफ में चेंजिंग आएगा लाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है वो इंसान आप ही हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंजिंग हुई है। मैं आज भी आपका लेक्चर अटेम्प्ट किया है। मैं 27 साल की हूँ, मेरे बचपन से ही बहुत कुछ प्रॉब्लम देखे हैं, लेकिन उस रब ने आज सुन ली, मुझे यकीन है आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। रमजान चल रही है, अगर मेरी वजह से आपका वक्त बिगड़ा है तो माफी मांगते हैं। आज मैं आपको दुआओं देती हूँ और मुराद पूरी करे। अच्छा ये जरक फ्रॉम इंडिया, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, शी वाज जस्ट थैंकिंग यू, सो आई जस्ट रेड इट। अच्छा वैसे कहना, अच्छा एक क्वेश्चन है इंडिया से, जरक ने क्वेश्चन किया, तो साथ साथ कामयाबी भी लाते हैं, याद रखना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी है। एक खातून है, हमारी दोस्ती है, वो मुझे कह रही थी कि मैं आपकी जिंदगी पे किताब लिखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वापस जब आ जाओ तो तुम लिखना शुरू करो, वो किताब मेरी बायोग्राफी होगी। तो ऑटो तो नहीं हो सकती बिकॉज मेरे पास वक्त नहीं है, तो वो खुद लिखेगी, मगर वो वाकया जिंदगी के जब आप सुनेंगे आपको हैरत होगी कि जितनी मुश्किलात आई है जिंदगी में, मतलब मैं ये कहता हूँ अल्लाह ने, मुश्किल आई अल्लाह ने उसमें से निकाल कर मजीद ताकतवर किया, मजीद दानाई दी, मजीद अकल में बेहतरी आई, मजीद बेहतर फैसले हुए, मजीद इल्म हासिल हुआ। तो ये जो खातून है इंडिया से जिनका आए, उनसे कहें कि जिंदगी में प्रॉब्लम है तो अब देखिए कि कोई ना कोई रोशनी की किरण निकलेगी, इन प्रॉब्लम ही के अंदर सोल्यूशन होता है और नाकामी में ही कामयाबी होती है। अच्छा जब तक तुम दूसरे सवाल आते हो लोगों से रिक्वेस्ट करो। जी टाइम हो गया। यस हु एम आई क्वेश्चन फ्रॉम मारिया। हु एम आई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ इस सवाल का जवाब, मैं कौन हूँ। दैट्स इट। बुल्ले शाह ने भी कहा मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। असल में क्यों आप फोर डायमेंशन में सिखाते तो किसी, मैं जरा एक बिल्डअप करना चाह रहा हूँ कुछ ना। जब जिंदगी में कोई वक्त ऐसा आता है, कभी लड़कपन जवानी में आता है, और औलिया कराम अल्लाह के जो बड़े बड़े बुजुर्ग वली थे उनकी तो बचपन में ये सवाल आया था कि मैं कौन हूँ। जब ये सवाल आ जाए तो ये सवाल इंसान को बिल्कुल इस्तेराब में, बेकली में मुब्तला कर देता है और वो ढूंढने निकलता है। खुदा करे हम सबकी जिंदगी में सवाल आए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इस सवाल की तलाश ही मकसद जिंदगी है, और इस सवाल का जवाब मिलने के बाद मकसद हयात का पता चलता है। जिंदगी हयात में फर्क है, जिंदगी मॉर्टल है यानी छोटी सी है, खत्म होने वाली है, चंद सालों पे मुहित है, और अबदी जिंदगी जो है उसको हम हयात कहते हैं। तो अगर ये सवाल आपके पास आता है तो सोचना, हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन है आप, और जब आप सोचते हैं कि मैं कौन हूं तो आपको जवाब मिल जाता है कि मैं कौन हूं। अब इसके साथ तमाम वो बातें जुड़ी हैं कि इंसान अपनी जात में झांके, अपनी जात के अंदर गोता लगाए, अपने अंदर जाए और वहां से वो डिस्कवर करे, और अंदर जाने का ये अमल जो है ना, इसी को बेदारी कहते हैं। सारी जिंदगी हम आंखों से जाहिर देखते हैं, कानों से बाहर की आवाज सुनते हैं,
ناک سے باہر کی بو سونگتے ہیں, زبان سے باہر کی چیزوں کا ذائقہ چکھتے ہیں, ہاتھوں سے چیزوں کو چھوٹتے, تمام کی تمام ہماری جو دنیا ہے وہ بیرونی ہے, خارجی ہے, باہر کی ہے. جب ہم اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اصل میں کیا ہیں اور ہمارا اندر کا باہر کے ساتھ کیا تعلق ہے. دوستو آپ لوگ نے بہت سارے سوال لکھے ہیں, ظاہر ہے ہم پڑھ کے جواب نہیں دے سکتے, برائے کرم ایک گزارش ہے آپ سے کہ جو سوال جن لوگوں نے بھی لکھے ہیں اس کو یا تو ای میل کر دیں 123boss@gmail.com, اگر کسی کو پتا ہو میمون آپ اگر یہ لکھ لیں میرا 123boss@gmail.com, یہ میرا ای میل ہے, اس پہ کر دیں. نہیں تو میں اپنا واٹس ایپ دیتا ہوں 0333233207. میمون ذرا یہ دونوں چیزیں لکھ دیں پلیز, میرا وہ بھی لکھ لیں واٹس ایپ بھی اور میرا ای میل بھی, اس پہ برائے کرم آپ مجھے بھیج دیں. کل ہمارا سیشن ہوگا 11 بجے, اور ڈے آفٹر ٹمورو وچ از گوئنگ ٹو بی فرائیڈے نہیں ہوگا سیشن, کیونکہ میں فرائیڈے ریکی اسلام آباد میں کمپلیٹ کر کے رات کو میں بائی روڈ لاہور پہنچوں گا. تو کل ہمارا سیشن ہوگا ڈے آفٹر ٹمورو وچ از فرائیڈے, رات کو نہیں ہوگا, انشاءاللہ سیٹرڈے ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ سنڈے بھی ہوگا, منڈے بھی ہوگا. تو جو سوالات ہمارے پاس لائنس ہیں وہ سوالات کے جواب ہم آنے والے دنوں میں ضرور پورے کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے لیے عروج کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. میمونہ جاوید تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرا نمبر بھی لکھ دیا. آپ لوگ تمام لوگ میرا ای میل آئی ڈی اور نمبر, یہ دونوں چیزیں پلیز نوٹ کر لیں جو بھی سوال ہو. سیمی نقوی ریکی ہر چیز کے لیے ہے, ریکی دوائی نہیں ہے کہ پیٹ کے لیے الگ دوائی, دل کے لیے الگ دوائی, ہر بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا آتی ہے, کسی چیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آباد رہے, شاد رہے, پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے. کل 11 بجے ملاقات ہوگی. پاکستان پائند آباد.